टू गैदर विद कॉरिस्पॉन्डिंग बी और पुट स्प्रेड ये जो दो हमने स्ट्रैटीज पहले पढ़ी थी इन दोनों को हम जब कंबाइन करके चलाते हैं दैन दैट्स अ बॉक्स यानी कि उसकी फोर साइड्स को ही कैप्चर कर रहा होता है तो इसमें सेम स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरेशन डेट दैट्स अ मस्ट फॉर स्ट्रैटजी टू वर्क ऑन हम करते क्या हैं इसमें वी बाय वन इन द मनी कॉल ऑब्वियसली दैट विल बी एक्सपेंसिव सेल वन आउट ऑफ मनी कॉल बाय वन इन द मनी पुट एंड सेल वन आउट ऑफ मनी पोर्ट ये हम कॉम्बिनेशन बना के इसमें एंटर होते हैं टू गेन अ रिटर्न आउट ऑफ इट तो अगर आप स्ट्रक्चर में देखें डायग्राम में तो यू कैन सी यू कैन री कॉल ये जो हमारे बी पोर्ट डबल कॉल के जो डायग्राम्स थे ये हम उस लेवल पे पर स्टैंड कर रहे होते हैं कि यहाँ पे इसका इंटरसैप्शन पॉइंट हमारा नीचे है और इसकी जो प्राइसिंग है अ बिट हाई तो हमें फिर उससे एक्सपायरेशन पे विल गेन आउट आर्बिट्राज इज सिंपली बाइंग एंड सेलिंग इक्विवलेंट स्प्रेड एज लॉन्ग एज द प्राइस पेड फॉर बॉक्स इज सिग्निफिकेंटली बिलो द कंबाइंड एक्सपायरेशन वैल्यू जो एक्सपायरेशन पे जो इसका कॉम्बिनेशन वैल्यू बनेगा और इस वक्त पैकेज अगर उससे सस्ता है तो इसका मतलब है आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है तो हम उसमें एंटर हो जाएंगे और वो एक प्रॉफिट आपका लॉक हो जाता है एक्सपायरेशन वैल्यू बॉक्स इज इक्वल टू हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस लोअर स्ट्राइक प्राइस दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारा उसकी वैल्यू है एट द एंड और रिस्क फ्री प्रॉफिट क्या है एक्सपायरेशन वैल्यू माइनस द नेट प्रीमियम पेड दैट व्हाट द कॉस्ट वी इनकर्ड हमने कितना इंकर किया था अब वो वैल्यू कहाँ तक पहुँच गई एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं इसकी सपोज एक्स वाई जी स्टॉक द सेम डेटा विच वी आर रेफरिंग टू इज ट्रेडिंग एट फोर्टी फाइव इन जून एंड फॉलोइंग प्राइस आर अवेलेबल जुलाई की जो पुट है दैट इज वन पॉइंट फाइव जुलाई की फिफ्टी की पुट जो है दैट इज सिक्स ऑब्वियसली वो इन द मनी है जुलाई की जो कॉल है फोर्टी की वो सिक्स की है और जो फिफ्टी वाली कॉल है वो वन डॉलर की यू कैन सी द प्राइस डिफरेंस कॉरेस्पॉन्डिंग विद द करंट स्पॉट प्राइस अब बाइंग अबुल कॉल इन वॉल्स हम क्या कर रहे हैं कि एक फोर्टी वाली कॉल खरीद लेंगे जो कि हमें सिक्स हंड्रेड की मिलेगी क्योंकि सिक्स का आपने देखा था एक है और एक जो है हम फिफ्टी वाली जो कॉल है उसको सेल कर देंगे सो दैट वी विल गेट द मनी हंड्रेड हमें मिल जाएगा तो यानी हमारा आउटफ्लो फाइव हंड्रेड हो गया जो बियर पुट का सिचुएशन है उसकी प्राइसिंग भी अगेन 600 में इट्स इन द मनी इज़ 600 और हमें जो सेल करने से मिलेगा वो 100 जो 150 मिलेगा सो दैट मीन्स 450 फिफ्टी विल बी आर आउटफ्लो फॉर द बियर पुट तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो देखेंगे कि हमें कॉल वाली जो हमने ली है कॉम्बिनेशन उसमें फ़ाइव का आउटफ्लो है और जो दूसरी है पुट वाली वो 450 यानी कि टोटल आउटफ्लो हमारा जो है दैट इज़ 950 डॉलर्स ये एक पूरे सेट का कॉम्बिनेशन का जो है वैल्यू अब एक्सपायरेशन पे क्या हो रहा है उसकी वैल्यू हमने कहा था हायर माइनस लोअर तो 50 माइनस फोर्टी इन टू हंड्रेड दैट इज थाउजेंड डॉलर तो इसकी एक्सपायरेशन वैल्यू कितनी हो गई थाउजेंड और हमने कितने पे लॉक किया हुआ है यू शुड रिकॉल दैट वॉज नाइन फिफ्टी सिंस द टोटल कॉस्ट स्प्रेड इज लेस एट एक्सपायरेशन रिस्क फ्री आर्बिट्राज इज़ पॉसिबल क्योंकि वो उसकी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है अगर ये सेम होता नाइन फिफ्टी ही होता तो फिर आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो यू कैन सी अगर वो उसकी प्राइसिंग में अनचेंज uh, हो जाएगी फोटी फाइव की हो जाएगी तो देन जो जुलाई फोटी वाली पोर्ट है और जो जुलाई फिफ्टी वाली कॉल है वो वर्थ लेस हो जाएंगी क्योंकि वो दे नॉट मेक एनी सेंस तो इसकी जो है वैल्यू है जो वो हमारी फाइव हंड्रेड ईच हो जाएगी तो टोटल वैल्यू गेन थाउजेंड है यानी कि इर रिस्पेक्टिव ऑफ द मूवमेंट हमारी जो बॉक्स की वैल्यू बन रही है वो थाउजेंड बन रही है तो बॉक्स इज थाउजेंड एट एक्सपायरेशन और अगर ये फोर्टी का हो जाएगा तो भी वी कैन सी सिचुएशन के बाकी सारी जो हैं वो हमारी हो जाएंगी जो हमारी पुट है जो हमारी आ, फिफ्टी वाली वो दैट विल बी मेक सेंस बिकॉज वो अब स्टॉक बहुत नीचे गिर गया तो उसकी वर्थ बन जाएगी तो उसकी वर्थ हो जाएगी थाउजेंड डॉलर्स तो इन दैट रिस्पेक्ट बाकी सारी जो है वो वॉर तो अगेन वैल्यूज रिमेन्स टू बी थाउजेंड तो इन ऑल रिस्पेक्ट वी हैव सीन के जो उसकी वैल्यू है बॉक्स की थाउजेंड है और हमने जो पे किया था वो उसके लिए नाइन फिफ्टी किया था तो दैट मीन्स दैट्स एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी टू गेन फिफ्टी डॉलर आप जितने कॉम्बिनेशन कर लेंगे आप उतने फिफ्टी डॉलर अर्न कर सकते हैं रिस्क फ्री दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्प्रेड ठीक हो गया तो मेक श्योर इस पर थोड़ी रिसर्च करें एंड की कॉम्बिनेशन और लिस्टिंग ऑफ ऑल द स्ट्रेटजीज वी आर मेकिंग थैंक यू